बैठिए, बताइए क्या काम था। हाय सर, सर मैं डॉक्टर सई जोशी, अभिघात जन्य तनाव विकार सुविधा नागपुर से, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं समझ गया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर मैं बाल अनाथ आश्रम गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि कुछ साल पहले नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाली एक बस एक्सीडेंट केस के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसी केस से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए मुझे। नागपुर से गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। पापा, अगर सही को सच पता चल गया तो कहीं जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। कम से कम अभी तो ऐसा मत होने देना पापा, प्लीज। हाँ याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले ही कोई आदमी आया था इसी बस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। इसी बस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है उस आदमी का नाम। सर बाहर आपके कोई दोस्त आए जो आपका इंतजार कर। मेरा कौन सा दोस्त आया? ठीक है आप उनको बैठाओ, मैं इनसे मीटिंग करके आता हूँ। सर मैंने उनसे बोला बट वो मानने को तैयार नहीं सर, और वो जिद पर अड़े हैं कि उन्हें आपसे अभी मिलना है। सर बोल रहे हैं कोई अर्जेंट काम था उनसे और आपका फोन नहीं लग रहा तो वो आपसे पर्सनली मिलने हैं। डॉक्टर सही, आप दो मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। जी चलिए। अरे डीसीपी साहब आप? जी ऐसे जल्दबाजी करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन काफी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, शायद आपका फोन सॉरी ये साइलेंट पर था। सब ठीक तो है ना? जी वैसे सर मुझे आपसे एक फीवर चाहिए, याद है मैं आपसे उस बस एक्सीडेंट के बारे में बात करने आया था। वो नागपुर से गढ़चिरौली। हाँ जी सर, मेरे अलावा इस बारे में बात करने के लिए कोई और भी आ सकता है? आ सकता नहीं, आ गया है, मेरा मतलब है आ गई है। आ गई? वो अंदर ही बैठी है, डॉक्टर सई जोशी नाम है। सई, उन्हें भी यही इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मिलना चाहेंगे?